एवरीवन, तो मिली जुली किचन में आप लोग का स्वागत है, प्यार भरा नमस्कार है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका आवाज़ से ही आप लोग को पता चलेगा कि कितनी क्रेस्टी बनी है। और ये अगर एक बार ये नाश्ता अगर बना लिए तो आप सारे कचौड़ी और समोसे भूल जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं गेहूं का आटा ही ज़्यादा यूज करती हूँ। तो गेहूं का आटा लेना है, उसमें थोड़ी सी रिफाइन या घी डालना है और हल्का नमक डालना है। नमक ना भी डालिएगा तो चलेगा, लेकिन हल्का डाल के इसे डो रेडी कर लेना है। जैसे हम लोग सॉफ्ट डो रेडी करते हैं उसी प्रकार, हम लोग कचौड़ी का जैसे डो रेडी करते हैं उसी प्रकार इसे डो रेडी कर लेना है। और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो आप इसे शाम में बना सकते हैं चाय के साथ, या फिर सुबह में आप लोग बच्चे को लंच में दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे ये बहुत पसंद करेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये आटा का डो रेडी हो गया है, अब इसे मैं साइड में कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसे ढक के साइड में कर देती हूँ। अब जलती हूँ आगे प्रोसेस के बाद। तो यहाँ पे फिर से लेना है थोड़ी सी गेहूँ की आटा और इसमें डालना है थोड़ी सी नमक। अगर आप लोग के पास सफ़ेद तेल है तो सफ़ेद तेल डाल सकते हैं, पर मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि बच्चे लोग को तिल नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे को भी नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी नमक डाल के, अगर आप धनिया का पत्ता डाल सकते हैं तो वो भी डालें, बहुत अच्छी इसका कलर आएगी। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी नहीं डालूँ, इसका एक डो रेडी कर लेना है। जैसे हम लोग की ये चीला का करते हैं उसी प्रकार ये डो रेडी कर लेना है। और डो रेडी करके क्या करना है मैं आगे की प्रोसेस में बताऊँगी, और आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो जाती है। अब चलती हूँ आगे की प्रोसेस के पास। तो यहाँ पे लेना है आलू, तो यहाँ पे 4 उबली हुई छोटी छोटी आलू ली थी, उसमें मैं डाली हूँ 2 बारीक हरी मिर्ची और थोड़ी सी कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता है पर थोड़ी सी मुरझा गई थी, थोड़ी सी सरसों का तेल और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी मसाला में आप डाल दीजिए। अगर आप धनिया उला के क्रश करके डालना चाहते हैं तो धनिया भी डाल सकते हैं, पर यहाँ मैं सिर्फ कलौंजी डाल रही हूँ, जैसे मंगरेला जमाइन हो गया। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल के एक समोसे की जैसे हम लोग रेडी करते हैं आलू, उसी प्रकार करना है। एक समोसे की चोखा रेडी कर लेना है। और क्या करना है मैं आगे की प्रोसेस में बताऊंगी। आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, रेसिपी आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसे अभी गर्म है तो हाथ से नहीं बनेगी, मैं मैस वाले मैसर ला रही हूँ तो इससे मैं इसे मैस कर देती हूँ। तो देखिए इसमें गुल्ठी अच्छा नहीं लगता है, जो हम लोग चोखा बनाते हैं तो गुल्ठी रहेगा तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसे अच्छे से मैश कर लेना है। और मैश करके क्या करना है मैं आप लोग को बताती हूँ, तो आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं कुछ करूं और आप लोग के साथ मैं हर बात शेयर करती हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डो रेडी हो गई। अब मैं नए प्रोसेस के साथ चल रही हूं आगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पूड़ी बेलते हैं उसी प्रकार इसे बेलना है, पूड़ी का ही साइज़ में बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम लोग कचौड़ी छोटा छोटा बनाते हैं उसी प्रकार इसे बनाना है। अगर इसे आप कट करना चाहते हैं तो कट करके इसे आप कटोरा से कट कर सकते हैं ताकि एक साइज़ का शेप बने। तो यहाँ पे मैं कट नहीं कर रही हूँ और यहाँ पे ऐसे ही बना रही हूँ, तो आप इसे कट करके गोल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आलू का इस तरह से कर लेना है, यहाँ पे इस तरह से भर देना है और इसको जो किनारा है उसको जापना नहीं है, इसे ऐसे ही रह देना है। तो देखिए यहाँ पे इसे जापना नहीं है और इसको इस तरह से ही रखना है। तो मैं सारे बनाकर मैं आप लोग को दिखाती हूँ और लाइन बने रहिएगा और जाइएगा कहूँ नहीं, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बन के रेडी है और यहाँ पे मैं पूरे बना ली हूँ, और क्योंकि बच्चे को लंच देना है जल्दीबाजी में मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए इसमें ये जो घोल है उससे इसे कोट करना है, तो इसको इसमें डाल के कोट कर लेंगे। और कोट करके उधर मैं कढ़ाही चढ़ाई हुई हूँ और तेल भी मेरा गर्म हो चुका है, तो चलती हूँ गैस की ओर। तो यहाँ पे इस तरह से कोट कर लेना है, इसके बाद चलती हूँ गैस की ओर। तो गैस में यहाँ पे देखिए कोट करके इसमें तेल गर्म हो गई तो मैं इसमें डाल दी थी, और यहाँ पे इसे उलट पलट कर इसे ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी होने तक के इसको फ्राई कीजिए।
उसके बाद ये बहुत ही टेस्टी लगती है। चाहे तो इसे आप चाय के साथ यूज कर सकते हैं या फिर चटनी के साथ यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं तो बच्चे को ऐसे भी आप दे सकते हैं, बच्चे बहुत चाव से खाएंगे। तो इसी तरह मेरी वीडियो अगर देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगी, क्योंकि इतना आप लोग लाए होगे तो आगे मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और मैं ऐसे ही कोशिश करती रहूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, पर मुझे मैं थक जाती हूँ, कभी कभी मन करता है मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, पर कभी कभी फिर सोचती हूँ कि देखती हूँ, आप लोग सपोर्ट करो। और इसके बाद फिर से मैं डाल दी हूँ, तो इसी तरह मैं जो भी बनाई थी सबको बना लूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और देखिए कितना ही आवाज़ थी, आपको पता चलेगी कितना क्रिस्पी बन के रेडी है। तो मैं थोड़ी सी तोड़ के दिखाती हूँ, तो यहाँ पर देखिए तोड़ के। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।